हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज का मेरा ब्लॉग स्टार्ट होता है सुबह के टाइम पे, और सुबह सुबह ये मम्मी को लेके जा रहे हैं हॉस्पिटल ब्लड सैंपल देने के लिए। इनका रूटीन चेकअप करवाना है, और उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में। माही के लिए भून रही हूँ मखाने, और इस बार मखाने की साइज़ बहुत छोटी है, तो माही कह रहे हैं ये वाला नहीं खाना मुझे, ये अच्छा नहीं। और दूसरे साइड मैंने रख दिया है दूध बॉयल होने के लिए, और माही का डिस्कशन अभी भी जारी है कि ये तो छोटा है, ये तो पहले जैसा नहीं है। तो मैंने बोला आ जाता है बेटा कभी कभी, और लीजिए खा लीजिए। तो मैंने इनको मखाना भून के दे दिया, और सोफ़ा पे बैठने के लिए बोला कि जल्दी से आप इसे खा के ख़त्म करो। और दूसरे साइड आज सुबह सुबह चाय वाय बननी नहीं थी, ये हुआ कि मम्मी ये आ जाएंगे फिर चाय वाय बनेगा एक ही साथ सबका। तो मैंने सोचा कि चलो आज सफाई कर लेते हैं, आज चाय वाय पीना नहीं है अभी। तो मैं यहाँ लग गई हूँ सफाई करने में। और ये उधर से हॉस्पिटल से आते हुए लेके आए थे पोहा और जलेबी, जलेबी जो कि मेरा फेवरेट है, और मीठा मुझे कुछ भी हो मीठा मुझे तो बहुत पसंद है। तो यहाँ पे ये सबके लिए लेके आए हैं जलेबी और पोहा। और सब लोग आज जल्दी नहा वहाँ के रेडी हो चुके हैं, और मैं नहीं नहाई हूँ अभी तक। मैंने सोचा कि नाश्ता वास्ता करके फिर नहाऊंगी। तो यहाँ पे सारे लोग बैठे हैं, बैठ गए नीचे, और सारे लोग मिलके कर रहे हैं नाश्ता, और साथ साथ टीवी भी चल रहा था, न्यूज़ वगैरह चल रहा था, ये लोग देख रहे हैं, मतलब सारे लोग देख रहे हैं। और एक साथ बैठ के खाने में ना बहुत अच्छा लगता है, मज़ा आता है खाने में। वैसे तो अकेले तो खाना ही होता है, जब कोई आ जाता है तो अच्छा लगता है, पूरा घर भरा भरा सा लगता है। माही भी खूब खुश हो जाते हैं। और नाश्ता करने के बाद मीठा मीठा खाने के बाद तुरंत चाय तो पिया नहीं जाता, तो इसलिए हम लोग 1 से 2 घंटा बाद चाय पिए। और तो यहाँ पे माही का भी नाश्ता हो गया है, और ये बैठ गए हैं सुबह सुबह लूडो खेलने के लिए चाचू चाची के साथ, और मुझे भी बुला रहे हैं। तो मैंने मना कर दिया कि मैं बाद में आऊँगी। और फिर खाना वाना खाने के बाद अभी टाइम है दोपहर का, और मैं यहाँ पे तैयार हो रही हूँ, क्योंकि आज मुझे देखने जाना था नए घर के लिए कर्टन्स। तो और यही वाला कुर्ती मेरा बार बार रिपीट हो रहा है, क्योंकि मेरे पास कपड़े नहीं हैं। तो यहाँ पे मैंने माही को बोला कि बदमाशी नहीं करना। और फिर हम लोग बेसमेंट से होते हुए निकल रहे हैं, और स्कूटी से नहीं जा रहे हैं क्योंकि दोपहर का टाइम है, बहुत तेज़ धूप लगती। तो हमने सोचा कि ई रिक्शा से ही चलेंगे, और आ गए थे गेट के बाहर, और थोड़ी देर वेट करना पड़ा, बहुत ही मुश्किल हो रहा था वेट करना, और मैंने अम्ब्रेला भी नहीं लिया था। फिर मैंने अच्छे से कवर कर लिया था अपने फेस को, क्योंकि बहुत ज़ोर की धूप लग रही थी। और हम लोग आ गए थे अपने पास के ही मार्केट अर्जा स्क्वायर। यहाँ पे एक यूपी हैंडलूम करके है, होम डेकोर का सामान जहाँ मिलता है, तो किसी ने हमें सजेस्ट किया था कि वहीं से लेना आप, अच्छा मिलता है। तो हमने सोचा कि चलो चल के एक्सप्लोर करते हैं कि क्या है। तो हम लोग आ गए हैं, और फाइनली शॉप की तरफ जा रही हूँ मैं। और यहाँ पे देखते हैं कर्टन्स, ये जो कर्टन्स दिख रहे हैं वो एक पीस लगभग स्टार्टिंग थी 1000 से, 900 से स्टार्टिंग थी सारे कर्टन्स की। और उसके बाद हम लोग आ गए थे वॉलपेपर देखने के लिए, कर्टन हमारा फाइनल नहीं हो पाया, तो फिर हम आ गए थे वॉलपेपर देखने के लिए माही के रूम का। और ये बता रहे थे कि 4 से 5 हज़ार का खर्चा आएगा एक वॉल का, एक रूम का। तो वही हमने मतलब देख रहे हैं हम लोग, अभी पसंद कुछ फाइनल नहीं किया, और आ गए थे कि सोच समझ के फाइनल किया जाएगा कि क्या चाहिए कैसे। और इतनी गर्मी में गला सूख रहा था, तो हमने सोचा कि चलो आइसक्रीम खा लेते हैं। तो यहाँ पे हमने खाई आइसक्रीम, और फिर उसके बाद हम आ गए थे सिटी प्लाजा आइसक्रीम खाने के बाद। अभी जहाँ हम वॉलपेपर देखने गए थे उनका दूसरा शॉप था सिटी प्लाजा में, उन्होंने बोला कि आप वहाँ चले जाओ कर्टन के लिए। तो हम लोग आ गए थे सिटी प्लाजा, और यहाँ भी हमारा फाइनल नहीं हुआ। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं ख़त्म करती हूँ।